हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है उस पर वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपना वॉच टाइम खुद ही बढ़ा सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो भी वॉच टाइम आप बढ़ाओगे 100% सारा वॉच टाइम काउंट होगा, यूट्यूब मोनेटाइजेशन में काउंट करेगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा 1000% गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि दोस्तों यहां से जो मैं तरीका बताऊंगा इससे आपके चैनल पर जितने वीडियो हैं सभी वीडियो पर बराबर बराबर व्यूज आएगा जिससे आपके हर वीडियो से वॉच टाइम बढ़ेगा। लेकिन यूट्यूब पर आपको बहुत सारे तरीके बताया लोगों ने जहां से आपको एक वीडियो अपलोड कराया जाता है और बताया जाता है इसको बार बार देखो और जिससे आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ही वीडियो पर ज्यादा वॉच टाइम होने की वजह से YouTube उस वीडियो को ट्रैक करता है कि इस पर वॉच टाइम कहां से लिया गया है और फिर उस चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है। वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपने मेहनत भी की लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। लेकिन जो तरीका बताने वाला हूं इससे आपके चैनल पर जितनी भी वीडियो है, चाहे 50 वीडियो है, चाहे 100 वीडियो डाल रखी है, चाहे 10 वीडियो डाल रखी है, जितने भी वीडियो आपने डाली है सब पर बराबर बराबर वॉच टाइम आएगा, सब पर बराबर बराबर लगभग में व्यूज आएगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि जो तरीका बताने वाला हूं, जो मेथड आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही गजब का है और मोनेटाइजेशन में आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग जैसे ही चैनल बनाते हैं उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने की कोशिश करते हैं, जैसे तैसे 1000 सब्सक्राइबर स्टार्टिंग में पूरे कर लेते हो। क्योंकि बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका लक अच्छा होता है तो उन्हीं का चैनल जो है अपने आप बूस्ट करता है और जिनके सब्सक्राइबर वॉच टाइम अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं, वरना शुरुआत में काफी सारे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ऐसे जुगाड़ से ही अपना चैनल मोनेटाइज करना पड़ता है। तो उन सभी के लिए मैं तरीका बताऊंगा, फ्री तरीका है, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं जाएगा। दोस्तों, स्टार्टिंग में एक नए यूट्यूबर के साथ में बहुत बड़ी ये टेंशन रहती है कि कैसे हमारे ये 4-4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा। 1000 सब्सक्राइबर तो जुगाड़ से आदमी कर लेता है, सपोर्ट सब करके कर लेता है, कोई और तरीका ढूंढ लेता है उससे कर लेता है, लेकिन वॉच टाइम सबसे बड़ी खीर है। तो ये वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा आपके मोबाइल फोन से आज आपको करके बताने वाले हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो और लोगों की तरह फर्जी वीडियो नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ बताया जाता है लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बताया जाता है। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं वही वीडियो में एक्चुअली में होने वाला है। वॉच टाइम आपके हर वीडियो पर बढ़ेगा और हर वीडियो से आपका वॉच टाइम काउंट किया जाएगा जिससे आपके मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोबाइल से भी वॉच टाइम आप बढ़ा सकते हैं। ये तरीका आपको हर कोई नहीं बताता है क्योंकि ज्यादातर लोग आपको पेड तरीका बताते हैं क्योंकि उससे उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन मैं यहां पर आपको फ्री वाला तरीका लेके आया हूं जहां से आपके चैनल पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फोन में सबसे पहले YouTube एप्लीकेशन को ऑन करना है। देखिए, मैंने अपने फोन में YouTube का एप्लीकेशन ऑन कर लिया है, साइड में आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने YouTube एप्लीकेशन ऑन किया, यहां पर आपको देखिए उस चैनल को लॉगिन कर लेना है जिस चैनल पर आप वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं। उस चैनल को यहां पर YouTube एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। मैंने यहां लॉगिन कर रखा है। उसके बाद आपको नीचे कोने पर एक लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है, देखिए लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहां आपको सेकंड नंबर पे देखिए प्लेलिस्ट लिख के आ रहा है और ये व्यू ऑल लिख के आ रहा है, देखिए व्यू ऑल ब्लू कलर से आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ प्लेलिस्ट आ रही हैं लेकिन आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। अब आपको नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए न्यू प्लेलिस्ट, आपको यहाँ सिंपल क्लिक करना है क्रिएट ए न्यू प्लेलिस्ट। यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी वीडियो आ रही हैं लेकिन यहाँ पर आपके चैनल की भी एक या दो वीडियो जरूर आ रही होगी। अगर यहाँ पर आपके चैनल की कोई वीडियो नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप किसी भी एक वीडियो को टिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक वीडियो यहाँ पर टिक कर लेता हूँ, ध्यान देने वाली बात है इसको टिक जरूर करना पड़ेगा चाहे वो आपके चैनल की हो या ना हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ये देखिए ये नेक्स्ट बटन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका टाइटल रखना है, टाइटल में जाने के बाद आपको लिख देना है यहाँ पर वॉच टाइम फास्ट लिख दो, वॉच टाइम फास्ट लिख दिया मैंने। इसके बाद आपका प्राइवेसी पर जाना है और यहाँ प्राइवेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं पब्लिक आपको लगा देना है क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब की पॉलिसी में है कि आपका उसी वीडियो का वॉच टाइम काउंट किया जाता है जो पब्लिक होती है। यहाँ पर हमें प्ले लिस्ट क्रिएट कर रहा है तो वो भी हमें पब्लिक रखनी है, तो पब्लिक हमें क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और यहाँ पर हमारी देखिए वॉच टाइम फास्ट की एक प्लेलिस्ट बन गई है जिसमें हमने अभी एक वीडियो ऐड किया था, वो वीडियो ऐड है। अब हमें चलना है होम बटन पर और होम बटन पर जाने के बाद आपको अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको योर चैनल पर क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद आपको वीडियो सेक्शन पर जाना है और यहाँ आपकी सारी वीडियो आ जाएंगी। अब इन वीडियो के बराबर में आपको एक 3 डॉट का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करना है।
यहाँ आपको सेव टू प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ जाने के बाद आप देखेंगे आपकी प्लेलिस्ट आ रही है, जो आपने प्लेलिस्ट क्रिएट की थी वॉच टाइम फास्ट नाम से, इस पर क्लिक करना है इस तरीके से और डन कर देना है। नीचे देखिए डन कर दिया, ये वीडियो हमारी उस प्लेलिस्ट में ऐड हो गई। अब हमें इसी तरीके से दूसरे वीडियो को थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेव टू प्लेलिस्ट करना है और यहाँ पर उस प्लेलिस्ट को टिक करना है वॉच टाइम फास्ट वाली को और डन कर देना है। इसी तरीके से आपको अपने तीसरे वीडियो करना है, चौथे वीडियो करना है, जितने भी आपके चैनल पर वीडियो हैं उन सभी के लिए इसी तरीके से देखिए सेव टू प्लेलिस्ट कर देना है वॉच टाइम फास्ट वाली वीडियो के अंदर। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने प्लेलिस्ट को ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारे वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, उसका आपका वीडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सारे वीडियो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए जो भी आपके चैनल पर वीडियो हैं। उसके बाद आपको देखिए ये आपके चैनल में ही एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का, ये देखिए होम वीडियो शॉर्ट, इसके बराबर में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, इस प्लेलिस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो प्लेलिस्ट आपने अभी बनाई है वो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ये देखिए। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना नहीं है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कॉपी लिंक आ जाएगा, इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रोम पर जाना है, जो आपका गूगल क्रोम ब्राउजर होता है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ जाना है। ये देखिए गूगल आ चुका है। अब गूगल में हमें सर्च करना है, यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट काउंट, आपको यहाँ पर लिखना है प्लेलिस्ट काउंट। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट काउंट जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी YouTube प्लेलिस्ट लेंथ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर आपका लिंक डालने का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जो आपने लिंक अभी कॉपी किया था अपनी प्लेलिस्ट को बनाकर, उसमें वीडियो ऐड करने के बाद में जो लिंक कॉपी किया था उस लिंक को आपको यहाँ पेस्ट कर देना है और आपको एनालाइज बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आपको डिटेल में शो कर रहा है कि आपके प्लेलिस्ट में कितना वीडियो है और इस वीडियो इस प्लेलिस्ट की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है। ये देखिए टोटल लेंथ ऑफ प्लेलिस्ट, मतलब एक बार अगर इस प्लेलिस्ट को पूरा देखा जाता है तो इतना वॉच टाइम बढ़ेगा, घंटों में बढ़ेगा एक बार अगर इस प्लेलिस्ट को देखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, और इसमें अभी मैंने ज़्यादा वीडियो भी ऐड नहीं किए हैं, जितना ज़्यादा आपके चैनल पर वीडियो होगा उतना ज़्यादा आपका एक बार में वॉच टाइम बढ़ेगा। और ये सभी वीडियो को प्ले करके बढ़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक वीडियो पर बढ़ेगा, उस प्लेलिस्ट में आपने जितनी वीडियो ऐड किए हैं उन सभी से आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, सभी पर व्यूज़ आएगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उन सभी वीडियो को ज्वाइंट करके एक प्लेलिस्ट बना के उसकी लेंथ को चेक कर लेना है कि आपकी लेंथ कितनी है, एक बार में कितना वॉच टाइम आपका पड़ेगा। ये देखिए सब दिख रहा है यहाँ पर, सारा डिटेल दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ये लिंक आपका कॉपी है ही। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर हैं, यहां पर आपके फोन में भी गूगल क्रोम ब्राउजर होगा, इसी से आप वॉच टाइम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे अब मैं आपको बताता हूं। जो आपने लिंक कॉपी किया है उसकी लेंथ आपने देख ली है, अब आपको सबसे पहले अपने फोन में कोई एक वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके फोन में आपका चैनल लॉग इन है, यहां से जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आपका जो ट्रैक हो जाएगा यूट्यूब कैच कर लेगा कि ये वॉच टाइम आखिर किस सर्वर से किस आईपी एड्रेस से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर आपको इस प्लेलिस्ट को मल्टीपल टाइप में बार बार प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक वीपीएन जरूर डाउनलोड कर लेना है। वीपीएन के लिए आप प्ले स्टोर पर वीपीएन सर्च करेंगे, बहुत सारे ऐप आ जाते हैं, कोई सा एक ऐप आप डाउनलोड कर लेना, उसको ओपन कर लेना, उसमें किसी एक सर्वर को कनेक्ट कर लेना। आप देख सकते हो मैंने, चलिए एक कनेक्ट कर लेता हूं, मैंने वीपीएन डाउनलोड किया है, इसको ऑन करता हूं और यहां पर देखिए एक सर्वर मैंने कनेक्ट कर लिया है, कनेक्ट हो चुका है सर्वर मेरा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये गूगल क्रोम पर आने के बाद आपको ये थ्री डॉट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको करके एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए न्यू, और ये टैब है लेकिन न्यू टैब नहीं है, न्यू टैब के नीचे एक प्राइवेट विंडो का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको कुछ इस तरह की ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। ये ब्लैक आएगी लेकिन मेरा यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है, आपका ब्लैक आएगा। तो जैसे ही हम ब्लैक पर आएंगे उसके बाद आपको देखिए गूगल ही खुल जाएगा वहाँ पर ही, लेकिन ब्लैक कलर में ये गूगल खुलेगा आपका, ब्लैक कलर में। मेरा यहाँ व्हाइट कलर में खुल रहा है क्योंकि मैं इसको विंडो को ऑन नहीं किया हूँ, क्योंकि इस विंडो को जैसे ही मैं ऑन करूँगा आपकी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी, इसलिए मैं यहां पर आपको व्हाइट स्क्रीन में ही समझा रहा हूं, लेकिन आपको यहां ब्लैक स्क्रीन करना है। यहां से सेकंड नंबर पे क्लिक करके आप यहां पर आएंगे तो आपका ये ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा। इसके बाद आपको इसी तरीके से पेज खुलेगा गूगल का, यहां आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक है उसको कॉपी करना है ऊपर वाली लाइन में, ये देखिए
यहाँ प्लेलिस्ट का जो लिंक था उसको एक बार पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा, पूरा पेज बन के आएगा। इसके बाद आपको एक प्ले ऑल का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना टाइम आपका वहां पर काउंट किया गया था प्लेलिस्ट का उतने टाइम तक इसको चलने देना है, आपको कहीं पर भी रख के छोड़ देना है। आप देख सकते हो ये पूरा वीडियो लिस्ट बन के आपकी ही वीडियो चलेगी, आपके ही वीडियो यहाँ रिकमेंडेशन में आएंगे नीचे, जिससे आपके वीडियो पर व्यूज आएगा और ये यूट्यूब रिकमेंडेशन फीचर बनेगा जाके लास्ट में। यहाँ आपके प्लेलिस्ट से व्यूज आ रहा है कि आपके एक वीडियो के बाद में दूसरा वीडियो आपका ही चल रहा है, उसके बाद में तीसरा वीडियो भी आपका चलेगा, चौथा वीडियो भी आपका चलेगा, पांचवा वीडियो भी आपका चलेगा। इसी तरीके से आपके ही वीडियो बार बार जब चलेंगे तो रिकमेंड करेंगे ये वीडियो आपकी लास्ट में चल के। अभी तो ये प्लेलिस्ट से व्यूज आएगा लेकिन लास्ट में यूट्यूब भी इन्हें रिकमेंड करने लगेगा जब इन पर ज्यादा वॉच टाइम पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये वीडियो यहां पर एड आ रहा है, ये एड हट गया, यहाँ देख सकते हो ये वीडियो प्ले हो चुका है। इसी तरीके से सारे वीडियो यहाँ पर चलेंगे और आपका वॉच टाइम काउंट किया जाएगा। जैसे ही आपका ये एक बार प्ले हो जाता है पूरा, उसके बाद आपको ये क्रोम ब्राउजर है उसको बंद कर देना है। क्रोम ब्राउजर बंद करने के बाद आप अपने VPN ऐप में जाएंगे, वहां पर आप फ्री वाला एक दूसरा सर्वर कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्वर दिखाई देते हैं। दूसरे सर्वर पर कनेक्ट करने के बाद में आपको फिर से इसी तरीके से क्रोम पर आना है और वही 3 डॉट पर क्लिक करके प्राइवेट वाली विंडो ये ब्लैक वाली ऑन करना है और वहां से लिंक पेस्ट करके इसी तरीके से फिर से प्ले कर देना है। ये बहुत लंबे टाइम के बाद आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके चैनल पर लगभग 50-60 वीडियो तो होंगी होंगी, तो समझ लो 50-60 वीडियो को प्ले होने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ पर और ज्यादा वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं कम टाइम के अंदर, तो आपको यहाँ वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका ये प्लेलिस्ट प्ले हो रहा है तो आपको देखिए ये सेटिंग का एक बटन आता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको स्पीड का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको लो स्पीड कर देना है। जैसे ही आप लो स्पीड कर देंगे तो यहाँ आपके वीडियो को बहुत ज़्यादा लो स्पीड में प्ले किया जाएगा, जिससे आपका वॉच टाइम 4 गुना बढ़ेगा। 4 गुना जितना आपकी प्लेलिस्ट में वॉच टाइम शो कर रहा था, तो एक बार प्ले होने पर उससे 4 गुना वॉच टाइम बढ़ेगा अगर आप इतने स्लो पर वीडियो को प्ले करते हैं। तो आज मैं आपको जो तरीका बताया हूँ इससे आपका 100% वॉच टाइम बढ़ेगा और हर वीडियो पर आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, जिससे आपके मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारा वॉच टाइम आप मोबाइल से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है कि इस तरीके से आपको प्रॉपरली किसी ने भी गाइड किया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। और अगर आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही सीक्रेट तरीका सब्सक्राइबर का भी मेरे पास है कि आप खुद से अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर फ्री में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है तो एक बार कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें। चैनल पर नए हैं, कपिल भाई को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।